झारखंड से हैं रतन तन्हा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब हकीम साहब, जय आदाब, जय भारत। हिंद, स्वागत। सर, आज के हालात पर जब नजर डालता हूं तो आपकी पेशेंस, आपकी सहन शक्ति का मैं बार बार नमस्कार करता हूँ आपके। सर, क्या हालात बना दिए हैं सबने, एक दूसरे से लड़ना, झगड़ना, मार काट, एक दूसरे पर काबिज होना, क्या है? अगर आपके जैसा सहन शक्ति दो चार व्यक्ति में हो जाए, तो चार क्या, हर हर परिवार में एक व्यक्ति हो जाए तो ये लड़ाई झगड़ा मार काट मुश्किल। शायद ऊपर वाले के हाथ में आप जैसे लोगों के लिए जो मिट्टी होती है बनाने में, उसकी शायद बहुत ज्यादा कमी है, और हम जैसे के लिए बहुत ज्यादा है। कुछ प्रश्न करना था सर। जी ये सुरंजान श्रीया सुगंधा उन्नाव ज्वाइंट फोर्ट जो आपके यहाँ से भेजा जाता है, इसमें कभी कभी सुनता हूँ छोटी हड़ हड़, वो किस काम में आती है सर? और दूसरी सर, मुसली, सफेद मुसली, लाल मुसली, काली मुसली, ये सब किस काम में आता है? ठीक। और तीसरी सर, एक जानकारी जो आप नहीं बनाते हैं, एप्पल का सिरका और मूली, गवई भाषा में कहे तो मुरई, इसका कौन कौन सा फायदा है सर? अगर किसी के पास उपलब्ध है तो क्या दिया जा सकता है? ठीक है सर। पेपर का क्या कह रहे हैं? मूली और एप्पल, एप्पल सेब एप्पल का सिरका अच्छा अच्छा जी अच्छा और मूली मुरई ठीक है ठीक है ठीक है। जी। हाँ देखिए, भगवान ने इस कदर मखलूक पैदा की है और उनमें सबसे अशरफ या अफजल यानी बेहतर जो मखलूक पैदा की वो इंसानों की। अच्छा, इंसान इसलिए बेहतर है कि वो सहन शक्ति वाला हो, दरगुजर वाला हो और दूसरों की तकलीफ़ों को समझने लगे और उनकी कुछ मदद करने वाला हो। इंसान जबी बेहतर है, सबसे अशरफ जबी है जब ये सब करने लगे। जब भगवान इंसान को बना रहा था तो फरिश्तों ने कहा कि इसको मत बनाओ, ये बहुत शर फैलाएगा यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट करेगा। तो भगवान ने कहा तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, मैं सबसे अशरफ यानी सबसे बेहतर मखलूक बना रहा हूँ। मखलूक मतलब सब भगवान की मखलूक है ना, चरण परंद जीव जीवाणु जितने भी हैं, ये पेड़ पौधे भी उसकी मखलूक है, हर चीज़ उसकी उसकी बनाई हुई है। वो खालिक है, खालिक मतलब बनाने वाला, और हम सब मखलूक हैं। जो शख्स भी पैदा हुआ वो मखलूक है और जो भी पैदा करता है वो खालिक है, खालिक है, मालिक है। तो भगवान की पहचान भी ये है कि वो पैदा नहीं होता, किसी के पेट से पैदा नहीं होता, सबको पैदा करता है अपने हुक्म से। तो एक तो ये इंसान का उदाहरण मैं दूंगा कि अच्छा, इसमें भी जो लोग भगवान को मानने हो वाले होंगे तो वो भगवान का आदर करेंगे, आदर करेंगे तो उसके हुक्म की तामील करेंगे। अब भगवान को जो बातें पसंद है उन्हें अपना लो, भगवान को जो नापसंद है उसे छोड़ दो, तो आप भगवान के पसंदीदा इंसान बन जाओगे। तो इंसान तो जानवरों से भी ज़्यादा गया गुजरा है। अगर वो भगवान की बात ना माने, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी से झगड़ा करना, किसी का माल ले लेना, किसी का हक ले लेना, ये सब इंसानी काम नहीं है। इंसान तो वो है जो भगवान के नाम पर अपनी जान भी दे दे। तो उसके हिसाब से भगवान के फैसले होते हैं। जब आप भगवान की जितनी बात मानते हो उसी हिसाब से भगवान आपके लिए फैसले करता है, तो आप
अगर सब्र वाले हैं, संयम वाले हैं, तो वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा, वैसे ही लोग जोड़ेगा, वैसे ही आपको ताकत देगा, वैसे ही सब आपको दौलत देगा, वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत करेंगे, जिनकी ज़बान अच्छी होगी, जिनका करेक्टर अच्छा होगा, जिनके मामलात अच्छे होंगे। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन पर हुकूमत की जाएगी। किसी ने लड़ा दिया, हम लड़ लिए, वो तो हमें यूज़ कर रहा है, भाई को भाई से लड़ा रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है, भगवान ने तो बना दिया, अब आप शैतान की बात पर अमल कर रहे हैं, एक शैतानी काम है लड़ाने झगड़ाने का और दूसरों का हक मारने का, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का। तो आप तो भगवान की, हम तो भगवान की बात मानी नहीं, हम तो शैतान की बात माने, तो फिर हम शैतान बन के ही मरेंगे और हमारा फैसला भी वहाँ होगा। क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात कही, मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ भगवान का, तो कोशिश करता हूँ कि सब्र वाला रहूँ, लोगों की सेवा वाला रहूँ और बर्दाश्त वाला रहूँ, दरगुजर वाला रहूँ। ये तो जो भी कोशिश करेगा उसको उसका फ़ायदा भगवान इस दुनिया में भी देगा और हमारे मरने के बाद स्वर्ग में भी मिलेगा। और हम शैतान को फॉलो करेंगे तो इस दुनिया में भी तकलीफ़ उठाएंगे और मरने के बाद नरक में भी इसकी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। क्या सवाल थे इनके? और पहला सवाल था छोटी हड़ किस काम आती है? अच्छा, छोटी हड़ एक बहुत ताकतवर कच्चा फल है जो सुखा कर मार्केट में अवेलेबल होता है। ये ज़्यादातर लोग इसका पाउडर बेचते हैं पेट साफ करने के लिए, और इससे पेट साफ होता भी है, और ऐसा होता है कि आदमी खुश हो जाता है कि अरे वाह, अब मिली है दवा, असली दवा, खाते ही पेट साफ। लेकिन ये नुकसान भी इतना ही पहुंचाती है, शुरू में तो पेट साफ होता है, फिर आंतें साफ होने लगती हैं, आंतों में छाले हो जाते हैं, आंतों का लेमिनेशन ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर लोग बुरा भी मानते हैं और कुछ लोग समझदार समझ भी जाते हैं कि हरड़ बहेड़ा और हरड़ काबली, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। इनका इस्तेमाल अगर किसी को करना हो तो पहले अरंडी के तेल में इनको खूब भून लिया जाए, और या बादाम के तेल में, और फिर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वाकई अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है, बहुत ताकतवर गिज़ा भी है ये, और ये बालों के लिए बहुत अच्छी है, ये पेट के लिए बहुत अच्छी है, ये जिस्म के लिए, मजबूती के लिए बहुत अच्छी है। तो सिर्फ मैं हूँ जो ये कहता हूँ, हरड़ को भून कर इस्तेमाल करना चाहिए तेल में, तेल भी अरंडी का या बादाम का तेल ले लें। वरना जितने भी बाबा लोग और हकीम लोग, वैद लोग आते हैं, वो बस यही कह देते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला खाओ और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दावे करते हैं, फ़ायदा होता है, लेकिन आप ज़िंदगी भर के मरीज़ बन जाते हैं। अगर हरड़ को तेल में भूनकर इस्तेमाल न किया जाए तो इसके नुकसान हर शख्स को देखने पड़ेंगे। जितने भी ये लोग पेट सफ़ा और ये सफ़ा वो सफ़ा बेचते हैं, ये शुरू में आपको फ़ायदा कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर आपकी पेट के इलाज में लग जाएगी। मेरी बात गौर से सुने, इसको ऐसे इस्तेमाल ना किया करें, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है जी। मूसली के बारे में पूछे हकीम साहब, सफ़ेद लाल जो काली होती है। अच्छा, देखिए मूसलियाँ होती हैं, सफ़ेद मूसली सबसे अच्छी, ये यौवन के लिए इस्तेमाल होती है, औरतों के और मर्दों के, मर्दाना ताकत के लिए भी यूज़ होती है और वाइट डिस्चार्ज के लिए भी यूज़ होती है। और काली मूसली भी फ़ायदेमंद है, और जितनी भी मूसलियाँ हैं ये सब काफ़ी महंगी आती हैं, और सेक्सुअल मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, यूनानी की बेहतरीन दवाएं हैं ये। इनमें भी नकली आती है, सफ़ेद मूसली में भी और साली जो आती है मूसली उसमें भी नकली बनाने लगे, नकलों की भरमार है, और आपको असली मिल गई तो फ़ायदा करती है जी। सिरके के बारे में, मूली और एप्पल का सिरका। हाँ, सिरका देखिए
आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो उसके सबके फ़ायदे अलग अलग हैं और मिलते जुलते भी फ़ायदे हैं। सेब का सिरका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मूली भी हज़म करती है खाने को, लेकिन मूली में एक ख़राबी यह है कि वो खाने को तो हज़म करती है लेकिन अपने आप बड़ी मुश्किल से हज़म होती है। तो मूली को अगर पीस के इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। नेक्स्ट कॉलर हैं दर्शन सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हमारा सवाल है जी, एक बुजुर्ग हैं 75 ईयर के जी, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है गदूदों की। और दूसरा सवाल मेरा यह है, एक मरीज है उनका बाईपास हुआ है जी, और 4 महीने हो चुके हैं और खून पतले की दवाई चल रही है, क्या उनको सिरका दे सकते हैं? ऑपरेशन को 4 महीने हो चुके हैं। अच्छा, पहले वाला जो सवाल था आपका, उनको प्रोस्टेट में क्या परेशानी, पेशाब तकलीफ से आता है? पेशाब जलन होती है एक तो जी, दूसरा बार बार आता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अच्छा देखिए, जिनको भी प्रोस्टेट की ऐसी तकलीफ है जो आपके 75 साल बुजुर्ग को है, तो उनके लिए एक अच्छा नुस्खा है, वरना ये बात ऑपरेशन तक चली जाती है कि देखिए 100 ग्राम अलसी लीजिए, 100 ग्राम अलसी, हो सके तो हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना लें, और 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम अलसी 100 ग्राम लाजवंती, इन दोनों को मिक्स करके पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच दूध या पानी में मिलाएं, और जब ये पानी को पी ले तो इसमें 1 चुटकी गौंद चिलगोजा मिला लें। गौंद चिलगोजा अलग रखें, वो भी 100 ग्राम खरीद लें लेकिन अलग रखें, 1 चुटकी गौंद चिलगोजा मिला लें, और ये 1 खुराक रोज़ाना या 2 बार 2 खुराक ले सकते हैं खाने के बाद, खाने से पहले, पानी से भी ले सकते हैं दूध से भी। दूध में मिला कर लेंगे तो बहुत अच्छा, चाहे 1 कप ही दूध हो तो उसमें डाल देंगे तो ये उसको दूध को पी लेती है, और ऐसे ही ये जाकर आपके प्रोस्टेट को बहुत फ़ायदा करती है। लगातार लेने से उनकी परेशानी हल हो सकती है। इस उम्र में ना ऑपरेशन करा सकते हैं ना बहुत तेज़ दवाएं दे सकते हैं, ये धीरे धीरे उनकी परेशानी का हल कर सकती है जी। दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल है कि बाईपास सर्जरी हुई है और खून पतले होने की दवाई ले रहे हैं, सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए अगर सिरका पहले से लेते तो ये सर्जरी की नौबत नहीं आती, अब लेंगे तो दोबारा सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। ये सिरका जो मैं अक्सर बताता हूँ, कलौंजी का या जैतून का असली सिरका ले और 2 चम्मच पानी में मिलाकर 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें डाल दें और पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार, आपको ये दोबारा सब नौबत नहीं आएगी जो आ चुकी है, और फिर दूसरे बाल और दूसरी नसों में चर्बी बढ़ती है, फिर 2-4 साल बाद फिर वही तकलीफ होती है। कहाँ तक आदमी इतने पैसे खर्च करे और इतना तकलीफ उठाए, तकलीफ बहुत है। तो ये ले सकते हैं आप 1 खुराक या 2 खुराक, कुछ दिन बाद आपके खून पतला करने की दवाएं भी छूट जाएंगी, और ये आप लिया करें कभी कभी, फिर अभी तो लगातार लें, फिर साल में 1-2 महीने लिया करें तो आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं जी। दिल्ली से हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। सर नमस्ते। जय हिंद कमलेश जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी, वो जो दोनों भाइयों के लिए मैं पूछती रहती हूँ दवाई नहीं है, मेंटली टायर्ड है, तो मेरा पहले एक पहले भाई के लिए तो ये पूछ रही हूँ मैं, उसको एक तो रुकावट कैप्सूल दे रही हूँ आपके, और एक उसको गोंद मोरिंगा दे रही हूँ, और एक वो नमक जैतून, और नमक जैतून में खाने का सोडा के एक तो एलर्जी है उसको, दूसरे पेशाब में इन्फेक्शन है,
तीसरे मैंने चिरगोंदा भी मंगाया हुआ है, तो आप ये बताइए उसको मैं चिरगोंदा भी दे सकती, पेशाब भी रुक रुक के आता है उसको, और जो दूसरा भाई है उसके लिए बोल रही हूँ, जो खड़ा होके नहीं चल पाता था जिसको मैंने एस केयर टी केयर पी केयर और शिलाजी सब कुछ खिला लिया, उसको मैं आप दे रही हूँ क्या कहते हैं आपका ये गोंद चिया दे रही हूँ और नमक जैतून दे रही हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ दूसरे वाले के लिए कि पहले नमक कलौंजी खिलाया मैंने आपका, तो कितना खिला सकती हूँ कितना नहीं खिला सकती, नमक जैतून और नमक कलौंजी कब तक खिला सकती, दो डब्बे तो मैं खिला चुकी। हालत क्या है उनकी, तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत ये है कि अभी वो ऐसे खड़ा होके कभी नहीं चला है ज्यादा, लेकिन अब पैरों में जान तो है उसको, मतलब मैं उसको खड़ा करती हूँ तो 10 मिनट 2 मिनट ऐसे वॉकर पकड़ के खड़ा हो जाता है। ठीक है मैम, हाँ जी, तो दोनों भाइयों के लिए पूछ रही हूँ भाई साहब से, मैं तो आपको काला सिया गोंद खाती रहती हूँ, क्यों कमर में दर्द वगैरह रहता तो मैं तो ठीक रहती हूँ, उनकी सेवा करने में ही परेशान होती हूँ। हाँ देखिए आप बहुत सेवा करती, बहुत मेहनत करती है, और जवान बच्चों पर इतनी मेहनत मामूली बात नहीं है, और आपके जो दर्द होता है ये उनकी सेवा से ही होता है। वो तो अच्छा हुआ कि आपको गौंसिया मिल गया और आप अपनी अपना इलाज खुद कर लेते हैं, अपने रिपेयर खुद कर लेते हैं, और बहुत अजीम हैं वो, बहुत बड़ी हैं वो औरतें, वो माएँ, वो बहनें जो इतना बड़ा काम करती हैं। और देखिए जिनको भी पेशाब की परेशानी है जो रुक रुक के आता है, उनको आप दे सकते हैं नमक जैतून, और ज़रूरत पड़े तो उसमें खाने का सोडा मिला के दे सकते हैं। और अब ये खड़े होने तक की तो बात पहुंच गई, और थोड़ी थोड़ी और मेहनत करेंगे तो हो सकता है ये चलने भी लगे थोड़ा बहुत, इनमें टाइम बहुत है लगता है, बहुत सब्र चाहिए, बहुत संयम चाहिए। मैं ख़ास दुआ करूँगा कि आपकी इस मेहनत को भगवान कबूल कर ले और इन भाइयों को पूरी तरह अच्छा कर दे। चिलगोज़ा गोंद का इस्तेमाल पूछ रही थी, यूरिन इन्फेक्शन। हाँ, यूरिन इन्फेक्शन के लिए नमक जैतून बेहतर है। चिलगोज़ा इस्तेमाल इस सूरत में करते हैं कि जब पेशाब रुकता नहीं है या धातु रुकती नहीं है, पेशाब में धातु जाती है, वाइट डिस्चार्ज होता है किसी महिला को या जेंट्स को, उस सूरत में कर सकते हैं, या और मर्दाना ताकत के लिए बहुत काम आता है, या आप इसे इस्तेमाल करें तो बहुत कम तादाद में करें बच्चों पर, और इस्तेमाल तो कर सकते हैं।